हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेट्रो वुडन। आज आपके सामने मैं वुडन पिगी बैंक्स लेके आया हूँ, जो कि शीशम वुड में बने हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा इनका यूजेस क्या है, इनके साइज क्या है, इनके डायमेंशंस क्या है और इसका प्राइस क्या है। अगर आप हमसे बाय करते हैं जेट्रो वुडन से तो इसका प्राइस क्या होगा, अगर आप किसी और सेलर से या हमसे ही आप अमेज़ॉन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू परचेस करते हैं तो इसका प्राइस क्या होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पिगी बैंक। ये देखिए, दो पिगी बैंक हैं। इसको वुडन पिगी बैंक विद इंटरलॉक कहते हैं। इसके जो बॉटम है इसमें इंटरलॉक लॉक लगा हुआ है, इसको हम लोग इंटरलॉक बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शीशम वुड में बनी हुई है। ये जो आप लेटर्स देख रहे हैं मनी बैंक, ये सब ब्रास लेटर्स है। ये एक्चुअल में ब्रास है, ये एज इट इज रहेगा, जितने टाइम भी पड़ा रहे ऐसा कैसे रहेगा। मनी बैंक लिखा हुआ है, एलिफेंट है, ये भी ब्रास का है, ये भी सब इसके ऑल अराउंड ये ब्रास में लगे हुए एलिफेंट, ये सब कोई पेंटिंग नहीं है, ये ब्रास इनले किया हुआ, इसे इनले वर्क बोलते हैं हम लोग। इसके टॉप में अगर देखा जाए तो ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन ये सब ब्रास में लगी हुई है। जो पिकी होल है इसका, ये भी सब एक ब्रास का है। तो शीशम वुड विद ब्रास इनले वर्क, ये हम कहते हैं इसको। मैं आपको सेकंड पिगी बैंक के बारे में बताता हूँ। दोनों पिगी बैंक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वुड है, शीशम वुड। ये देखिए इसके चारों तरफ भी एलिफेंट है। इनमें जो डिफरेंस है आप देख रहे होंगे कि इसमें ये रिंग्स लगे हुए हैं। ये हमारी बड़ी वाली पिगी बैंक है जिसमें रिंग लगे हुए हैं दो साइड, और जो छोटी वाली है छोटी वाली में नहीं लगे हुए, छोटी वाली में साइड में प्लेन है, बाकी सब कुछ सेम है। डॉल्फिन लगी हुई है ब्रास में, पिगी होल है ब्रास में, एलिफेंट्स ऑल अराउंड इन ब्रास, इंटरलॉक दिया हुआ है, एक हुक दिया हुआ है जो दोनों दूसरी पिगी बैंक में भी है, दोनों में है हुक इसको ओपन करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको इसकी डायमेंशन बताता हूँ, डायमेंशन मैं आपको इसकी बताता हूँ। जो बड़ी वाली पिगी बैंक है हमारी 8 इंचेस लेंथ में है और 5x5 इसकी जो है डायमीटर है, इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है। सो 5x5x8, इसको हम 8x5 इंचेस बोलते हैं। ये 8 इंच लेंथ है और 5 इंच विड्थ और लेंथ है, 8 इंच हाइट है इसकी। और इसकी जो हाइट है ये 7 इंच है, और जो इसकी जो विड्थ है ये 5 इंच ही है। डेट मीन्स 7x5 इंच, 7x5 की पिगी बैंक है, ये 8x5 की पिगी है। इनकी जो हाइट है इनमें डिफरेंस जस्ट 1 इंच का ही है, ये जस्ट डिफरेंस ऑफ 1 इंच इन बोथ द पिगी बैंक्स। आइए मैं आपको इनको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये लॉक कैसे वर्क करता है इन पिगी बैंक्स में। ये हुक दिया हुआ है, ये एक बोर्ड पिन लगी हुई है जिसको एक हुक की तरह यूज करते हैं। अंदर इसके की है, दो कीज़ मिलती है हर एक पिगी बैंक के साथ। लॉक लगा हुआ है, लॉक ये वही है जो ड्रॉर में हम लोग यूज़ करते हैं। अंदर से रॉ वुड होती है, अंदर से कोई फिनिश नहीं करते हम लोग इसको बनाने में, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती वुड में, क्योंकि एज सच कोई यूज़फुल नहीं है, उसको उसका यूज़ नहीं है कुछ प्लिन करने के लिए। ये देखिए की है, ये मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। इसको फ्रेंड जब आप लॉक करते, ऑलरेडी ओपन है इसको, अब हमें लॉक करना है। ये 1 and 2 times से राउंड ये इसको टर्न करना पड़ेगा हमें इसको लॉक करने के लिए। ये लॉक हो गया पिगी बैंक, इसको 2 times मैंने टर्न करा तो ये अनलॉक हो गई। 1 2 लॉक, अगेन 1 2 अनलॉक। ये कीज में इसकी इसके अंदर ही डाल देते हैं, जब हम आप लोगों को ये डिस्पैच करेंगे तो की इसके अंदर ही देंगे, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। कीज हर एक पिगी बैंक के अंदर होती है, द सेम प्रोसीजर इज विद दिस पिगी बैंक। इसकी कीज भी इसी में है। ये देखिए 1 2 लॉक एंड 1 2 अनलॉक, इसकी की भी मैं इसके अंदर ही कर लेता हूँ। सो मुझे तो फ्रेंड्स ये दोनों पिगी बैंक बहुत अच्छी लगती है। इसको जब हम आपको डिस्पैच करेंगे तो बहुत अच्छी तरह इसकी पैकेजिंग होगी, इसको एक इनर बॉक्स में
डाला जाएगा पहले, फिर उसके बाद बबल रैप होगी, बहुत सेफली आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल जेटर वुडन। अगर आपको ये पिगी बैंक अच्छी लगी हो और आप हमसे परचेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट परचेस करना चाहते हैं, सो प्लीज़ कॉल मी ऑन 7417857935 और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आई अगेन रिपीट 7417857935। जो भी इसका प्रोसीजर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ, उसको कैसे आप परचेस कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी और काफ़ी सारी पिगी बैंक्स लेके रहूँगा। टिल देन बाय।